इन ए सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस आर इज 100 वोल्ट. 100 वोल्ट है आर के अक्रॉस वोल्टेज और आर है 1 किलो ओम, दैट मींस 10 टू द पावर 3 ओम. ये आरएमएस वोल्टेज है क्योंकि बताया नहीं है कि वोल्टेज एम्पलीट्यूड है. विद सी इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड, 10 टू द पावर माइनस 6 फेरेड हो जाएगा. द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज 200 रेडियन पर सेकेंड. At resonance, the voltage across L. ये हमें find करना है VL. अब XL तो पता नहीं, तो फिर कुछ और condition लगानी पड़ेगी. वो condition क्या रखी resonance? Resonance के case में VL किसके equal होता है? VC. और VC किसके equal? Current into उसका reactance. यहाँ पर सभी सभी चीजें क्या रखी है? RMS. बता नहीं रखा कौन सी है, amplitude है या RMS. तो RMS consider करते हैं, तो current भी RMS लेनी पड़ेगी. अब आई आर एम एस कहां से निकालेंगे, क्योंकि टोटल वोल्टेज नहीं पता, टोटल इंपीडेंस नहीं पता, तो इससे निकाल सकते हैं. आई आर एम एस इक्वल टू वी आर अपॉन आर. वी आर 100 और ये 10 टू द पावर 3, सो 1/10 एम्पियर करंट हो गई. अब यहां पर 1/10 एक्स किसके इक्वल, 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा मतलब ओमेगा नोट, सो 1/10 ओमेगा नोट 200 और कैपेसिटेंस 2 × 10 टू द पावर माइनस 6. 10 टू द पावर माइनस 6 ऊपर जाएगा तो प्लस का, अपॉन 2 × 2 = 4 और 10 की पावर 3, सो 1000 अपॉन 4. 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 6, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगी पावर, सो 10 टू द पावर 3, सो 1000 अपॉन 4 250 और वोल्टेज. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट.